दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस आपको तैयार रहना चाहिए। और कुछ ऐसा ही साबित करके दिखाया है विजय देवरकोंडा ने, जो कि साउथ सिनेमा के एक जाने माने नाम बन चुके हैं। हालांकि एक समय तो ऐसा भी हुआ करता था कि उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वह अपना रूम रेंट भर सके, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने आगे चलकर डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी और गीता गोविंदा की तरह ही कई सारे सुपरहिट फिल्म दिए और उनकी लाजवाब एक्टिंग ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम जानते हैं इंडियन फिल्म एक्टर विजय देवरकोंडा की पूरी कहानी, कि किस तरह से विजय ने अपने खुद के दम पर फिल्म जगत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 1989 से, जब विजय देवरकोंडा का जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव है, जो कि एक टेलीविजन राइटर थे। इसके अलावा विजय की माँ का नाम माधवी है। और दोस्तों, विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे, क्योंकि उनकी 10वीं तक की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। और उस समय तक उनके पास टेलीविजन और सेलफोन जैसी चीज़ों की भी कोई सुविधा नहीं थी, जिससे वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई और खेलकूद में बिताते थे। हालांकि 10वीं क्लास के बाद से विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह वापस हैदराबाद आ गए, और यहां आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि उनका मन अब पढ़ाई लिखाई से हटने लगा था, और इसी वजह से 12th पास करने के बाद जब उन्होंने बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, तब वह क्लास अटेंड करने बहुत ही कम जाया करते थे। और तभी उनके पिता ने उनसे गुस्से में कहा कि घर बैठे बैठे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब भी विजय ने गुस्से में ही दिया और वापस अपने पिता को कह दिया कि अगर इतना बुरा ही लग रहा है मेरा घर बैठना, तो फिर न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिलवा देते। वैसे यह बात विजय ने तो यूं ही गुस्से में कह दी थी, लेकिन विजय के पिता ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूँ, लेकिन फिर भी पास के ही थिएटर ग्रुप में मैं तुम्हें ज़रूर भेज सकता हूँ। और फिर अपने पिता के बात को मानते हुए विजय ने उसे थिएटर ग्रुप से एक्टिंग सीखने शुरू कर दी। साथ ही एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ नाटकों में भी काम किया था। हालांकि अब विजय ने एक्टिंग तो सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम मिलना बाकी था, और इसीलिए उन्होंने एक ऑडिटोरियम में काम किया। लेकिन कैसे भी करके 2011 की फिल्म नोविल्ला में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजय को पहचान दिलवाने में कामयाब तो नहीं हो सकी, साथ ही अगले 4 सालों तक उन्हें और किसी फिल्म में काम भी नहीं मिला। हालांकि इस दौर में विजय ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बेहतर करने में ही पूरा समय बिताने लगे। साथ ही काम के खोज में जब वह घर से दूर रहते थे, तब एक समय तो ऐसा भी आया था कि उनके पास रूम रेंट देने भर का पैसा नहीं था, और इसी वजह से ही उन्होंने दूसरे करियर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच 2015 में आई फिल्म यवड़े सुब्रमण्यम में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाने का मौका मिल गया, और फिर इस मूवी में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे भी उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे। यहां तक कि 2017 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी में भी काम डायरेक्टर संदीप ने यवड़े सुब्रमण्यम फिल्म को ही देख कर दिया था। और दोस्तों, अर्जुन रेड्डी मूवी ही विजय के लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस मूवी ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। हालांकि इस मूवी को करते हुए विजय को काफ़ी सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि वह सिगरेट पहले नहीं पीते थे, लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने सिगरेट पीना सीखा। और फिर जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी वर्जन तैयार किया, तब यह मूवी ना केवल साउथ सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। हालांकि बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी वर्जन के लिए भी सबसे पहले विजय को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए यह मूवी शाहिद कपूर को ऑफर की गई। हालांकि हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से विजय भी काफ़ी फेमस हो गए, और अब वह साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में पहचान बना चुके थे। साथ ही अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि विजय का सोच तो कुछ अलग ही था, और इसीलिए उन्हें जो फिल्म फेयर अवार्ड का ट्रॉफी मिला था, उसे उन्होंने एक ऑक्शन में सेल कर दिया, और फिर इसके बदले उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे, जिसे कि उन्होंने CM रिलीफ फंड में दान कर दिया था। हालांकि ट्रॉफी बेचने के बाद से जब उनसे पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया,
तो फिर विजय ने बताया कि उन्हें अपने चाहने वालों का प्यार ही काफी है और इस अवार्ड को घर में सजा कर रखने के बजाय अगर इससे जरूरतमंदों की सहायता हो सकती है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। और दोस्तों, विजय देवन गोंडा अपने चाहने वालों को भी पूरा समय देते हैं और इसीलिए वैसे तो उन्हें अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हजारों फैंस के लिए अपने बर्थडे के दिन पूरी ट्रक चलाकर आइसक्रीम बांटी। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने अपने लाखों फैंस में से एक फैन को रैंडमली सेलेक्ट किया और उसे अपने साथ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी लेकर गए। और दोस्तों, यही सभी चीजें ही विजय को दूसरे एक्टर से अलग बनाती है। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी सफलता हासिल करने के बाद विजय ने एक प्रोडक्शन कंपनी की भी शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने किंग ऑफ द हिल रखा। और इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्होंने उन नए आर्टिस्ट को मौका देने की बात कही जिसके अंदर सच में टैलेंट है। और दोस्तों, अर्जुन रेड्डी के बाद से विजय की लगभग सारी मूवीज लगातार हिट होती आ रही हैं, जिनमें डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी मूवीज भी शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि विजय वही एक्टर हैं जिनके पास अपना रूम रेंट देने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की सेलिब्रिटीज लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, यह थी विजय देवरकोंडा की लाइफ स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।